से कुछ गलत हुआ है तो उसके ऑरा में आ जाता है वो बात, विचार उसके डीएनए में आ जाता है, उसके आरएनए में आ जाता है, वो जो उस छोटी सी कोशिका तक में वो विचार आ जाता है तो वो पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो पर्सनालिटी में वो आपके रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, आप उसको कितना ही छुपाओ, वही सब चीज़ों का ताना बाना आपको जो है इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सर एक किसी हक के सवाल है, जो इस समय देश में माहौल चल रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है नागरिकता बिल को लेकर, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए पहले मैं आपको बताऊं, हम समाचार को समाचार को चाहे अखबार में कोई चीज़ आती थी ना, वो इक्विवेलेंट टू माँ कसम होता था कि कोई बात आप दोस्तों में बात बनी और उसने एक ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, उसने बोला क्या बात कर रहा है, ये अखबार में छपी है, अखबार में छपी है, तो वो बात आपकी मान ली जाती थी या वो शर्त आप हार जाते थे, अखबार को इतना महत्वपूर्ण माना गया था, माना खुद हुआ करता था। लेकिन आज वो चीज़ें ऐसी नहीं है, आपका अपना खुद का चैनल है, हर एक आदमी के पास जिसके पास मोबाइल है वो खुद के चैनल का मालिक बना हुआ है, जैसे उसके मन में विचार हैं कुविचार हैं उस हिसाब से उसने रिफ्लेक्ट कर दिए, वो दुनिया में आपने फेंक दिए। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी सरकार ने जिस तरह के निर्णय लिए देश हित के लिए, चाहे वो पिछले और तमाम निर्णय हों, आगे के निर्णय हों या आने वाले निर्णय हों, उसका विरोध करने का एकमात्र तरीका है, इतने समझदार लोगों को ये कहना मैं चाहता हूँ, उसका एकमात्र तरीका है वो है चुनाव। इतने सालों के परिवर्तन के बाद आपने इस सरकार को चुना है, वो भी जुगाड़ से नहीं, वो भी राजनीति से नहीं, वो भी पूर्ण बहुमत से आपने उस सरकार को चुना है, तो आपको चुपचाप उस सरकार का साथ भी देना चाहिए। जिस शिद्दत से लोगों ने वोट दिया उसी शिद्दत से उन तमाम करोड़ों करोड़ भारतीयों को मैं कहना चाहता हूँ जो देश से प्यार करते हैं या जिन लोगों ने इस सरकार को बनाया है, वो लोगों को भी अब सड़क पे आना चाहिए। वरना क्या होता है, दो चार गंदे लोगों की वजह से लगता है देश में ऐसे ही हो रहा है, दो चार इस तरह की हरकतें करने से, नुकसान करने से, बसों को जलाने से, ये तो कोई नियम नहीं है ऐसा, ये तो कोई घटना, कहीं ना कहीं आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो, आप अपने देश के लिए डबल घातक हो, एक तो उस तरह से आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, दूसरी बात आप देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये सब कानून जब बन रहे हैं, जब विश्व में इतिहास रचा ही जाने वाला है, तो मैं अमित शाह जी से मोदी जी से निवेदन करूंगा कि चलते चलते ऐसे दो चार नियम भी रोज़ पारित करते रहें जो देश हित में हो। एक तरफ आप देश की बात कर रहे हो और मैं भारत का नागरिक हूँ की बात कर रहे हो, उस दूसरी तरफ आप आग लगा रहे हो, मतलब आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। विदेशों में तो इसके लिए तुरंत सजा हो जाती है, तो लेकिन चूंकि यहाँ ये मजबूरी है लोकतंत्र की कि झेलना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, उन्हें भी कुछ बॉलीवुड के लोग भी प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट कर रहे, समर्थन दे रहे, उनके साथ बैठे रहे। देखो हर चीज़ के लिए ना जड़ का होना जरूरी है, चाहे वो एक पत्रकार के रूप में हो, चाहे कलाकार के रूप में हो, चाहे देश के सेवक होने के रूप में हो, चाहे देश के प्रति आस्था रखने के रूप में हो, आपकी जड़ें होनी चाहिए। जब जड़ें नहीं रहेंगी तो कोई भी विचार आपको हिला देगा, डुला देगा, गिरा देगा, आप झूठी प्रतिष्ठा के लिए ही सही, चूँकि हर तरह के लोगों का राज है ना, भारत जैसा मुक्ति कहीं है ही नहीं, भारत मतलब हम तो विदेशों में भी जाते हैं तो उन लोगों को गर्व होता है, वो अपने नागरिकता पे, अपनी सिटीजनशिप पे घमंड करते हैं वो लोग, हमारे यहाँ वो बात ही नहीं है। तो हमारे कितना ये बात किसी उस व्यक्ति के लिए तो कहीं नहीं है, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में आपको ये बोल रहे हैं कि इस बिल का किसी भी देश के नागरिक से कोई संबंध नहीं है, तो अरे तो मूर्खो, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग, उसमें ये बोला जा रहा है कि इस बिल का हमारे देश के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, तो अरे मूर्ख लोगो, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। बदले में जो राजनीति के माफिया लोग हैं, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़ रहे हो, चाहे जाति की राजनीति से आगे बढ़ रहे हो, चाहे धर्म की राजनीति से आगे बढ़ रहे हो, उन सब की रोटियां बंद हो जाएंगी, इसलिए ऐसा माहौल चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इस सरकार ने या जिस तरह का परफॉर्मेंस, जब किसी सरकार को आप 70 साल तक टिके रहने देते हो, अभी तो 5 ही हुए हैं, अभी तो 65 और हैं, अभी तो बहुत परिवर्तन भारत में देखने को मिलेंगे, और एक दिन ज़रूर आएगा कि हम सब सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि हमें भारतीय होने पे गर्व है, हमें अपने देश के साथ होने पर गर्व है। थैंक यू सर। ऑफबीट नहीं, एक नई तरह की बात है सबके मन में, जैसे आप सबके मन में एक कोई ना कोई स्टोरी घूमती रहती है, एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं अंतर्व्यथा करके, और नाम से ही जाहिर है कि आप सब लोग समझ गए होंगे अंतर की व्यथा है, हर आदमी के अंदर की व्यथा होती है,
सब्जेक्ट एक तरीके से खुल सा ही जाता है, लेकिन बात कुल मिला के ये है कि हम कोई एक ऐसा काम हमसे ऐसा हो जाता है, चाहे अनचाहे कुछ ऐसा काम हो जाता है, तो उसको लेके एक आदमी के अंदर अपना गिल्ट होता है। कुछ लोग तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हमारे साथ ऐसा हो गया और हम एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग अगर नहीं करते, जब नहीं करते हैं तो उसके अंदर की जो उसकी व्यथा है, पीड़ा है, उसको दिखाती है। अभी तो क्या है कि बहुत डिफरेंट अभी मैं थोड़ा सा चूजी हो गया हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि ये करना है ये नहीं करना है। जैसे बीच में काफ़ी कॉप हो रहा था तो मैंने कॉप को अवॉइड करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर, तो मैं डिफरेंट रोल्स करूँ और उसमें ब्रेक लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सांड की आँख की बात करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट रोल है। एंड अभी एक कॉमेडी फिल्म आई है फटी पड़ी है यार, उसमें बिल्कुल डिफरेंट। और इस फिल्म में अगर आप अंतर्व्यथे की बात करेंगे तो एक बिल्कुल ही अलग किस्म का रोल है। तो जहाँ तक रहा इनिशियल की बात कर रहे हैं, जब शुरुआती दौर में जब हम बम्बई शहर में आए थे तो हमारे पास में कोई च्वाइस नहीं है, हमें कोई काम दे दे ये बड़ी बात है। तो लोग काम देते गए और करते गए, भाई अपनी मतलब बुद्धि से काम करते गए। लेकिन हाँ, एक जब आप इंडस्ट्री को इतना समय दे देते हैं तो फिर आप एक सटल मोमेंट आ जाता है जब आपको सोचना पड़ता है कि अब आप क्या करें क्या ना करें। एक अंतर्व्यथा तो अभी रिलीज पे है, एंड उसके बाद द लवर्स करके है, जो एक ऐसे बाप की कहानी है जो आजकल महिला प्रधान देश में बहुत सारे राइट्स मिल गए महिलाओं को, तो अब अननेसेसरी किसी व्यक्ति को फंसा दिया जाता है कि भाई आप मारते हैं, ये हस्बैंड मुझे मारता है, कुछ भी है डॉरी का केस इस तरीके का। तो वो जब व्यक्ति इतना शरीफ है, इतना सिंपल है, लेकिन आपके पास में अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन पर जाएंगे। और तो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके मैं फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो बाप और बेटे के बीच की केमिस्ट्री है जो द लवर्स करके फिल्म है। एंड एक और फिल्म है मेरी तीन तलाक के ऊपर, हालांकि फैसला आ गया तीन तलाक के ऊपर, फिल्म का नाम है फिर से शादी। उसमें मैं लड़की के फादर का रोल कर रहा हूँ। उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है कि तीन तलाक जो है, आजकल की नई पीढ़ी जो है वो ये देखती है कि भाई मेरी शादी हो गई, मैंने ब्रेकअप ले लिया, उसके बाद अभी मुझे तीसरे के बाद जाना पड़ेगा, हम क्यों नहीं वापस आ सकते। तो उसके लिए उसको तीसरी शादी करनी पड़ेगी फिर उसके साथ में, फिर वो तो उसमें बाप और बेटी क्या सोचते हैं इस नए संदर्भ में। आज की युवा बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सब नहीं जो बिल आ भी गया। तो उसमें भी एक बाप और बेटी के बीच का बड़ा खूबसूरत सा कनेक्शन दिखाया। एंड दो तीन फिल्में और हैं मेरी, तो लाइक गुल मकई कह सकते हैं आप, एक और फिल्म है जो अभी बन रही है, अभी उसका नाम डिसाइड नहीं हुआ जी। हर इंसान के अंदर में जो बेचैनियां हैं, और वो बेचैनी हर इंसान लेके जा रहा है, पर इंसान इंसान को नहीं समझता आज की डेट में। और पहली बात क्या है कि जो बेचैनी है उस फिल्म के अंदर में, जो कैरेक्टर है, जैसे हेमंत भाई हैं, गुलशन भाई हैं, कुलदीप जी हैं, दिनेश जी हैं, केशव ने बहुत अच्छा लिखा है और डायरेक्ट भी किया है, तो एक आदमी की अपनी एक जर्नी होती है, और उस जर्नी को कैसे वो लेकर के पर्दे पे आता है और कितने मुश्किलों से उसको सामना करना पड़ता है, तब जाके वो फिल्म आती है और ऑडियंस जब देखती है तो दो मिनट में वाह वाह करके निकल जाती है। वो अंतर्व्यथा आर्टिस्टों में भी है, म्यूजिशंस में भी है, हर इंसान के अंदर में। गुरु नानक देव जी ने एक लाइन बोली थी, नानक दुखिया सब संसार, जिसके पास है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं वो भी दुखी। बात ही रही म्यूजिक की, म्यूजिक केशव आर्या मुझे आज से नहीं 15-20 साल से जानते हैं, और जब ये आए मेरे पास में कि गुरु जी एक गाना गवाना है आपको, ऐसे ऐसे सुनाया, कोई बात नहीं, गाना मैंने सुना, बहुत अच्छा गाना है। उसका म्यूजिक डायरेक्टर जो है आपका पीयूष, है ना पीयूष, पूरा क्या नाम है, पीयूष पूजी, हाँ पीयूष पूजी, उसने किया था। और एक गाना जो है उसमें मेरा है, और वो गाना मैंने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा किया, और डिफरेंट अरेंजमेंट है उसका, लाइव है पूरा। और वो गाना सुनेंगे तो एक सूफियाना गाना है, एक टाइटल गाना जो अंतर्व्यथा, वो गाना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और उम्मीद करता हूँ, और आप सभी से कहता हूँ, आप सभी के माध्यम से कहता हूँ, ऑडियंस को जा कर के ये फिल्म देखनी चाहिए, आपको कुछ अलग मिलेगा देखने को, और सब ने बहुत अच्छा काम किया। तो
देखिए, हमें तो हर दिन नए लोगों के साथ वास्ता होता है, नए जगह, नई शूटिंग, नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर, नए कलाकार साथी, तो हमारे लिए तो हर दिन उत्साह का होता है। और ऐसे में इतनी जीवटता के साथ जो है कुलदीप भाई ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह का माहौल बनाया था दिल्ली में, चूँकि मैं नॉर्थ से अपना वास्ता रहा है, 6 बरस हम दिल्ली में रहे, तो वो जो खुशबू है या वो जो छूट जाने के बाद जो तड़प वापस आप दिल्ली पहुंचते हैं या उस जगह पे जाते हैं, तो वो एक अलग खुशी होती है। उसके अलावा जिस तरह का ताना बाना हमारा साथ में कलाकारों का, गुलशन जी के साथ हो चाहे कुलदीप भाई के साथ हो, तो वो हमेशा ही कलाकार के तौर पे तो बेहतर होता ही है, अच्छा होता ही है। लेकिन ये जो सिनेमा का विषय है, जितनी फिल्में भी हम करते हैं उनमें से ये पिक्चर किस लेवल पे हिट होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पिक्चर डेफिनेटली हर और पिक्चरों से जो मैंने की हैं उनसे एकदम अलग है। इसका जो वे ऑफ परफॉर्मेंस, जिस तरीके का हम लोग ने इसमें काम किया या जिस तरह का इंटेंसिटी उस फिल्म में थी, और चूंकि मैं हम पुलिस वाले बने हैं तो किसी और केस की वजह से हम इनके घर में घुस जाते हैं, और ये चूंकि ऑलरेडी कांड कर चुके हैं, तो उस दौरान जो अंतर्द्वंद है या भाव बदलते हैं, इनके सिचुएशन बदलती है अचानक, फिर अब बारिश, ऐसे में हम वहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि बारिश आ गई, तो डेफिनेटली पूरी रात वहाँ रुकना है, तो उस दौरान जो हमारे लिए भी जो रोचक सीन थे एक के बाद एक के बाद एक, वो वाकई यादगार थे और मज़ेदार थे। और मैं इस पिक्चर की शुभकामनाएँ भी आपको देता हूँ, पूरे परिवार को देता हूँ, क्योंकि पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब पिक्चर बन जाती है तो फिर सबसे आसान काम पिक्चर ही रह जाती है, रिलीज सबसे कठिन रह जाती है, तो आप इसको वहाँ तक ले आए, तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और इसके किशन जी, आपका पहला ही फंक्शन हुआ था, उसमें कहा था कि काफ़ी मुश्किल था आपको ये फिल्म को मतलब बनाना, जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इनिशियली, तो क्या कहना चाहिए? देखो, एक्टरों का सपोर्ट मुझे शुरू से मिला है, हेमंत जी से और इनसे, और नए डायरेक्टर के साथ ऐसे अगर कलाकार काम करते तो एक उत्साह अपने आप ही आ जाता है। हाँ, समस्याएं प्रॉब्लम्स बहुत आई कि अभी जैसे हेमंत भाई कह रहे थे कि रिलीज़ करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए जो मुझे मेरे साथी मिले हैं, मेरे प्रोड्यूसर दिनेश भाई अहिर और भरत कवाड़ जी और दीपक वशिष्ठ दिल्ली से, तो इनकी वजह से ये यहाँ तक संभव हो पाया है कि हम यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, कम से कम 400-500 थिएटर में हमारी पिक्चर जा रही है। तो फिल्म के निर्माता के बारे में, हेमंत भाई ने सब कुछ इतना अच्छे से बोल दिया कि मैं अभी कुछ भी बोलूँगा तो बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन हाँ, एक टीम ऐसी थी जैसे एक परिवार होता है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है पिक्चर में, और हमारी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य पायरेसी जो आजकल चलती है बहुत, इसका बहुत डर लगता है मेरे को, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत नुकसान में जा रही है उसकी वजह से। बस ये कि इस फिल्म को या हर फिल्म को आप प्लीज़ सिनेमा में जाके ही देखिएगा, और इस फिल्म को बहुत प्यार की और बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ईमानदारी से मेहनत की है केशव आर्या ने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत हटके स्टोरी है। अब इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग देखिए और आशीर्वाद दीजिए बस। सर, आपका कमेंट। मैं सिर्फ आप सब चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है प्रयासों की फिल्म है। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, आजकल कॉरपोरेट हाउसेज बहुत डोमिनेट कर रहे हैं सिनेमा के ऊपर, तो अब छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, अब उनके पास में बड़ा संघर्ष रहता है। तो उसमें केशव आर्या जी ने जो कोशिश की है, शॉर्ट फिल्म से बड़ी फिल्म, और उसमें दीपक जी का, दिनेश जी का मिलना, प्रोड्यूसर्स का आना, एक्टर्स का सपोर्ट होना, तोची जी, हेमंत जी, गुलशन जी, इन सब का सहयोग, तो ये चीज़ें बनती चली गई। तो बड़े प्रयासों के साथ में ये फिल्म बनी है, रुक रुक कर फिर बनी फिर पैसे का, तो अभाव में जो चीज़ें बनती हैं वो कोशिश की है। आज हम आप लोगों के सामने हैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अब ब्लेसिंग की ज़रूरत है, और सब दर्शकों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंतर्व्यथा मन की व्यथा है, आपकी भी व्यथा हो सकती है, हमारी भी व्यथा, हर किसी की व्यथा है, चाहे अनचाहे कुछ ऐसा हो जाता है तो उससे गुजरता है हर व्यक्ति। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर, एक नई तरह की फिल्म है, छोटी फिल्म है, अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे, इतने मंजूर कलाकार हैं, तोशी सर हैं, और केशव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे बेसिकली डायरेक्टर में? बोलिए केशव जी के बाद क्या बोलिए। क्या महसूस किए काम करने के दौरान कि किस तरह से आपको मतलब
मैं बताता हूँ कुछ एक्चुअली का देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। मैं सबसे पहले हालांकि मुंह पे नहीं कहना चाहिए तो ची भाई बैठे हैं यहाँ पे, पिक्चर बन गई, फेस्टिवल में चली गई, अवार्ड मिले इंडिया में और इंडिया से बाहर भी अच्छे खासे अवार्ड मिले हैं, 8 अवार्ड हम जीत चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अब इंडिया में रिलीज़ करने के लिए म्यूज़िक की बारी आती है, अगर म्यूज़िक ना हो तो वो पिक्चर पूरी नहीं होती। मैं तो उसी भाई के पास गया, मैं गुरु जी म्यूज़िक करना है। अरे तो बोलना क्या करना है, करता हूँ। मैं कहा पैसे नहीं है मेरे पास। कह रहे पैसे तेरे से मांगे किसने। और मैं पीछे कहता हूँ, हालांकि आज मुंह पे कह रहा हूँ कि मैं बहुत सबके सामने धन्यवाद देता हूँ तुची जी को कि इन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट, इवन कि अगर ये कभी कन्वेंस का भी इन्होंने मेरे से पैसा नहीं लिया। क्या बात, और पूरे इंडिया में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इसके प्रमोशन में हर जगह मेरे साथ ये रहते। आप बताइए आएंगे, यही यही घुमा के इसीलिए लाए हैं। मैं सुबह 4:30 बजे घर पहुंचा हूं। आवाज मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। और म्यूजिक का क्या है कि देखिए, मैं बहुत छोटी सी उम्र में घर छोड़ दिया था, 12 साल की उम्र में, और मेरी जीवनी जो है आपको गूगल पे मिल जाएगी, क्योंकि 12 साल का बच्चा निकला उस्ताद को ढूंढने के लिए। और ऐसे उस्ताद जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य, मैं उनका शिष्य विनोद जी का, उन्होंने म्यूज़िक को मुझे समझना सिखाया कि म्यूज़िक है क्या। आज दुर्भाग्य ये है कि इतने हिंदुस्तान में लीजेंडरी लोग हुए जो हमें बहुत कुछ देखे गए, आज कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये चिंता का विषय है। और ये चिंता की विषय आप अपने अंदर मंथन कीजिए। जो मैं आज भी सुबह 3 बजे उठता हूँ मॉर्निंग में, और रात के 10 बजे तक सिर्फ ऑलरेडी रियाज पे रहता हूँ, मेडिटेशन में रहता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, वापस अपने स्थान पे पहुँच जाता हूँ, रूम से बाहर भी नहीं आता 12 घंटे 15 घंटे। मेरा ये अपना रिसर्च है म्यूज़िक के प्रति। दूसरी बात आती है कि आप काम कैसा करना चाहते हो। मेरी सोच में है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, जो इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीवुड की मूवी देखिए तो आपको स्कोर सुनने को मिलता है, और स्कोर भी आपको जब कोई एक्टर बात कर रहा है तो उसके वोकल का साउंड कौन से नोट पे है उससे वो पैच करते हैं। इतनी गहराई में जाके देखता हूँ। मेरे लिए म्यूज़िक रिस्पेक्टेबल है, इबादत है। मैं काम करने बैठता हूँ तो फिर उस टाइम मैं भूख प्यास सब भूल जाता हूँ। गुल्लू ने देखा है और लोग देखते भी हैं, जो इंसान 40-40 दिन भूखे रह जाता चिल्ला बांध करके लिए, वो खाने के लिए नहीं आया। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, शायद उनमें से मैं हूँ। तो मैं म्यूज़िक को खाता हूँ, फिलोसफी को पीता हूँ, और अगर फिलोसफी ही नहीं होगी तो म्यूज़िक भी नहीं होगा। और म्यूज़िक की फिलॉसफी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तो आपके गाने के पीछे स्कोर भी नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं से म्यूज़िक आपके अंदर उतरेगा भी नहीं, आएगा और जाएगा जो हो रहा है अभी। ये चिंता का विषय। बाकी रहा जब मेरे को गुल्लू ने बोला ऐसा ऐसा, इसका कॉन्सेप्ट मैंने सुना तो मेरे पास ऑलरेडी एक गाना किया हुआ था, मेरी एक स्टूडेंट है लंदन रहती है रबाबी, उसका मैंने प्रोजेक्ट किया था सिम्फनी पूरा, और वो सब अब आते नहीं है सिम्फनी, यहाँ पे कोई करने वाला भी नहीं है। है तो सही, लेकिन आजकल हो गया साउंड का ज़माना, और साउंड कहीं ना कहीं से आपकी फिलॉसफी को मार रहा है, जो समझ में भी नहीं आता, और डिक्शन भी क्लियर नहीं सुनाई पड़ता यार ये आदमी क्या गा रहा है, 50 बार सुनेंगे तो एक शब्द सुनाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं साउंड जो है आपको बेचैन कर दिया। और नेचुरल म्यूज़िक जो बनाए, वायलिन सोच के क्या काट के उन्होंने वायलिन बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाए, आज उनकी आत्मा कितनी रोती होंगी। और वो कितने आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर में, जितने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने में हुए हैं, उनके साथ पूरा ऑर्केस्ट्रा उन्होंने किया, आज उनके घर को देखता हूँ कि वो रोटी खाने के लिए भी मोहताज है। कितना दुख होता है जो मैं सोचता हूँ। ऐसे में जब वो गाना मैं करके बैठा था, तब एंट्री होती है केशव आर्य के, गुरु जी मेरा थॉट ये है, मेरा ये गाना मैं क्या, अच्छा तेरे गाने में ये गाना जा रहा है, ले ले गाने, तो मेरे पास में बैंक बना हुआ है पूरा। मैंने उठाया, उसने देखा, अरे यही तो चाहिए था, तो ये गाना ऐसे लगा। और वो गाना जब मैं कर रहा था, सिंगल कर रहा था, और इंडस्ट्री के बहुत बड़े वायलिन प्लेयर हैं जो 40 साल से इस इंडस्ट्री में बैकग्राउंड स्कोर करते हैं, धर्मवीर जी, गाना करने के बाद में उन्होंने स्टूडियो बोला, तोची भाई ये गाना है आपका फिल्म का, एल्बम का गाना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गाना है ना, आप कोशिश करना फिल्म में लग जाए। अब फिल्म के लिए आपको पता है कौन से डायरेक्टर की सिचुएशन क्या होगी, उनमें फिल्म में ये गाना जाएगा या नहीं जाएगा वो भगवान जाने। अगर उसने मुँह से बुलवाया उनके थ्रू तो मुझे नहीं पता था कि इसकी फिल्म में लगेगा वो गाना, केशव आर्य अंतर्व्यथा में लगी। और दो लाइन सुना दो, इश्क दिया गल्लां मैं
किसनों सुनावा वे सजना वे सजना जोगी बन बन फिरदार वा जोगी बन बन फिरदार वा वे सजना वे सजना वे सजना। क्या बात, उन्होंने मुझे बुलाया लेकिन शूटिंग की वजह से नहीं आ पाया, आज इत्तेफाक था तो मैं भाई को बहुत मैं तो आप सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, गुलशन जी का, कुलदीप जी का, हेमंत पांडे जी हमेशा टाइम टाइम पे। इस पिक्चर में एक खास बात और थी, खाना बहुत अच्छा खिलाया था। आर्टिस्टों का दो ही खाना, खाना और गाना।